नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दो गुटों में हुई लाठी बाटा जंग, एक की हुई मौत, कई हुए घायल। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, कहा प्रदेश में अपराध चरम पर। बीमारी से परेशान युवक ने की आत्महत्या, मृतक काफी दिन से चल रहा था बीमार। औषधि भंडार के भवन का विधायक खैरिया ने किया उद्घाटन, ग्रामीणों को मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। थाना उद्योग नगर क्षेत्र के गांव सैयद खेड़ली में 27 दिसंबर शाम को दो पक्षों में हुए झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दो व्यक्तियों को चोटें आई। बाबूलाल को मामूली चोट आई, वह बाबूलाल का भाई महादेव उर्फ बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जयपुर ट्रोमा सेंटर में रात्रि में महादेव उर्फ बबलू की मृत्यु हो गई। मृतक महादेव उर्फ बबलू के तीन बच्चे हैं, जिसमें दो लड़कियां हैं। एक लड़की उर्वशी 8 वर्ष, लड़का विनीत 8 वर्ष और भावना 12 वर्ष की है। मृतक महादेव उर्फ बबलू कॉस्मेटिक की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हाँ जी, इनके नाम सारों के लिख दिए गए हैं, गिरफ्तारी होगी जी। दो चार दिन में गिरफ्तारी कर लेंगे, टीम भेज चुके हैं, उसके बाद दो पुलिस वाले गेट पे बिठा देंगे। जब तक इनकी गिरफ्तारी होती है, अब अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा न्याय पूरा होगा। ये मीटिंग में होगा आपका सुनना, और मेडिकल वगैरह जो भी है सबका होगा जी। सर बताए, 27 तारीख को शाम करीब 7 बजे सिंधी समाज के दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया था जी। दोनों पक्षों के चोट आई थी। 28 तारीख को दोनों ही पक्षों ने मुकदमा दर्ज करा दिया था जी। एक पक्ष के सिर में ज्यादा चोट थी, उसको जयपुर रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जी। कल डेड बॉडी को यहां लाए थे, शाम होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आज चूंकि मृतक परिवार आवेश में था, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए इसलिए वो आवेश में था, तो डेड बॉडी को लेकर थाने तक आ गए थे जी। उनकी छोटी छोटी तीन चार मांग थी कि एक तो कुछ आदमियों का मेडिकल नहीं हुआ, कुछ FIR में हमने नाम कम लिखे हैं ऐसा उनका कहना था जी। और मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। इन तीनों चारों बिंदुओं पर बैठ के बातचीत हुई समाज और समाज के अध्यक्ष के साथ में। वो लोग हमारी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए और डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस ने 3 दिन का कोई टाइम नहीं दिया, लेकिन 3 दिन ही क्यों, पहले क्यों नहीं जी। हम चाहेंगे उससे भी पहले हो गिरफ्तारी, ज्यादा अच्छा रहेगा जी, जी। वो भी हमारा सहयोग करेंगे इसके लिए जी। बड़ौद कस्बा क्षेत्र के रेवाड़ी मोड़ के पास स्थित मैरिज गार्डन में अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का स्वागत व सम्मान महाराजा सूरजमल फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश के सचिव सुंदरलाल चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों ने राजस्थानी पगड़ी, महाराजा सूरजमल का फोटो चित्र व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य मुकेश डबास, पूर्व सैनिक लीग अलवर के जिला अध्यक्ष कैप्टन रोहताश चौधरी, महाराजा सूरजमल फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश के सचिव सुंदरलाल चौधरी का भी ग्रामीणों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हम महाराजा सूरजमल जैसे बन नहीं सकते, लेकिन हमें वर्तमान में उनके पदचिन्हों पर चलना जरूरी है। इस अवसर पर बड़ौद स्वैच्छिक रक्तदान समिति के संयोजक कुलदीप चौधरी द्वारा कस्बे के सरकारी अस्पताल में 5 रक्तदान शिविर लगाकर 700 युवाओं को प्रेरित कर जरूरतमंदों की मदद करने पर जिला प्रमुख व ग्रामीणों ने सम्मान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाकर नया जीवन दान दिया जा सकता है, मंच संचालन पंडित अशोक बोहरा ने किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानाध्यापक लीलाराम चौधरी पोलादपुर, भगवा रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश चौधरी, भूप सिंह चौधरी जागुवा, शिवराम माजरा, हसराम माजरा, गोपीचंद शर्मा, सूबेदार मेजर कुटेराम दायमा, तहसील अध्यक्ष तिजारा, रिंकू अजमेरीपुर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा निरोगी राजस्थान समृद्ध राजस्थान अभियान में आह्वान किया है कि नए साल की शुरुआत दारू नहीं दूध के साथ करें। स्वस्थ परंपरा के साथ सब अपने स्वास्थ्य को आने वाले साल 2022 में बेहतर बनाएं और शक्तिशाली राजस्थान बनाएं। गांधी चिंतन परिषद ने भी यह निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री राजस्थान के इस अभियान के साथ जुड़े, इसीलिए सभी लोग नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से 8 बजे तक शहीद स्मारक कंपनी बाग अलवर पर दूध के साथ नए साल की शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत जेपी यादव कुलपति मत्स्य विश्वविद्यालय एवं कमलेश कुमार मीणा आयुक्त नगर परिषद अलवर से की जाएगी। यह जानकारी मक्खन सिंह गुर्जर गांधी चिंतन परिषद ने दी। नेक कमाई समूह की ओर से गुरु नानक कॉलोनी स्थित आत्मविश्वास केंद्र और अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर में बच्चों को जैकेट, महिलाओं को शॉल सहित कंबल वितरित किए गए। फीडिंग हैंड्स जयपुर से आए मुख्य ट्रस्टी पंकज जैन और अमरदीप सिंह सोनी ने यह सामग्री वितरित की। यह स्वेटर, जर्सी, कंबल और शॉल फीडिंग हैंड्स की ओर से वितरित हुई। गुरु नानक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी पंकज जैन ने कहा कि अलवर में सामाजिक संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं, जिसमें युवाओं की संख्या काफी अधिक है, जो बेहतर संदेश है। जयपुर से आए समाजसेवी अमरदीप सिंह सोनी ने कहा कि अलवर में नेक कमाई समूह का कन्यादान कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि समूह उन बच्चों तक पहुंचेगा जो इतनी सर्दी में भी एक शर्ट पहनकर पढ़ने आ रहे हैं। समूह की मुख्य संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि सर्दी में तन ढकने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। नए साल में कन्यादान कार्यक्रम में कई बेटियों का विवाह किया जाएगा। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने समूह की गतिविधियां बताई। मंच संचालन गुरप्रीत सिंह ने किया। समूह की ओर से समाज सेवी बबली शर्मा, अमित छाबड़ा, शशांक झरानी और पायल पालावत ने विचार व्यक्त किए। यहाँ आश्रम की ओर से सुरेंद्र अरोड़ा ने आभार जताया। समूह की ओर से आशुतोष शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट का सहयोग रहा। हम फीडिंग हेड से हैं। हम जयपुर में 2200 खाने रोज खिलाते हैं और सुबह शाम की चाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं। और सर्दियों के वक्त हम लोग कंबल, शॉल, बच्चों के कपड़े बांटते हैं। यहाँ भी आके हमने देखा यहाँ बहुत जरूरत है। यहाँ हमने कंबल, शॉल, बच्चों के लिए किटवेयर, वुलन दिए हैं। काम नेक कमाई बहुत अच्छा यहाँ कर रही है, इसी के द्वारा हम यहाँ पे दे पाए इतना। और सबको जरूरत है, मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई थोड़ा सा भी अगर पिंच होता है तो उतना डोनेट करें नेक कमाई को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और इन जो लेस फॉर्चुनेट हैं इनकी सेवा। पहले तो हमने आज वहाँ गए, हम सरदारों की बस्ती में, वहाँ सभी को शॉल दिया, बच्चों को कपड़े दिए और उनके साथ रह के उसका जो व्यतीत किया हमने समय, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। अभी हम इस विवेकानंद मार्ग में, हम इस आश्रम में आए, अपना घर आश्रम में, यहाँ के जो भी सदस्य हैं उनको देख के ऐसा लगता है भगवान कि इनको जल्दी ठीक करके इनके घर भेज दो। और आज जो इनको कंबल, चादर, लोई, स्वेटर जो भी बांटी गई है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी की हम सेवा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बस यही कहती हूँ, भगवान सभी हमको इतना ही देते रहे कि वो अपने हाथों से बांटते रहे और कुछ नहीं देना। कोटकासिम अस्पताल के नए नवनिर्मित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व औषधि भंडार के भवन का किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कोटकासिम उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा स्वयं उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटकासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान रही। उनके साथ महेंद्र चौधरी, दया, रामचरण आदि लोगों सहित कस्बेवासी व अस्पताल स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर कोटकासिम सरपंच महावीर आचार्य ने कहा कि अब कोटकासिम अस्पताल में मरीजों की और बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। कोटकासिम अस्पताल के सरकारी अस्पताल में भवन की कमी को हटाने में शुक्रवार का दिन खास दिन रहा। शुक्रवार को कस्बे के सामुदायिक अस्पताल में नवनिर्मित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी व औषधि भंडार कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कोटकासिम कस्बे को नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद अब लगातार कस्बे में कई सुधार हुए हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। अलवर शहर के कला भारती रंगमंच के कलाकारों ने सागर के पास मूसी महारानी की छतरी पर वाद्य यंत्र बजाकर वर्ष 21 को विदा दी और नए वर्ष 22 का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कला भारती से जुड़े कलाकारों ने वर्ष 21 में हुई गलतियों को भगवान के लिए समर्पित किया और कहा कि आगामी आने वाले साल अलवर वासियों के लिए सुखद और स्वस्थ रखने के लिए रहे। कला भारती से जुड़े कलाकार जितेंद्र साबिर ने बताया कि सागर पर वर्ष 21 की विदाई दी गई, वहीं 22 का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि अलवर के सागर
सागर पर नववर्ष का स्वागत किया और सागर की गोद में बैठकर गलतियों को भगवान को समर्पित करने के लिए वाद्य यंत्रों से गीत गाए। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन बीमारी से निपटने के लिए स्वस्थ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और संगीत के साथ जीना चाहिए। अगर जो व्यक्ति संगीत के साथ जिएगा मस्त रहेगा, खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अलवर संगीत की शरण स्थली रहा है, ऐसे में अलवर के साथ कलाकार अलवर को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए नववर्ष का स्वागत करने सागर पर एकत्रित हुए हैं। हमने सर आज ही के दिन दोनों सेलिब्रेट किया है। 2021 को हमने बाय बाय बोला है। पूरे अलवर के म्यूजिशियन यहाँ पे हैं जो भी संगीत से ताल्लुकात रखते हैं, और सभी ने संगीत के साथ सागर में ऐसे विदाई दिया है ना बोर्ड के साथ में कि भाई हम लोग इस 21 में जैसा भी रहा, हम अपनी जो भी गलतियां अलवर में हुई हम संगीत के छुपा के संगीत में और हम समर्पित करते हैं भगवान को, और आने वाले 2022 का हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की दस्तक क्या कहेंगे? ओमिक्रॉन की दस्तक, अगर हम सॉलिड रहेंगे, अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, अगर हम खुश रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो ओमिक्रॉन हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ये सबसे जरूरी है कि आदमी को सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे संगीत के साथ मस्त रहो, हंसते रहो, डरोगे तो ओमिक्रॉन आएगा, नहीं तो अपने बचाव और प्रिकॉशन रखो, ओमिक्रॉन कुछ नहीं कर सकता। एक लाइन में संगीत के माध्यम से क्या ऐसी बात होगी जो नए साल का आगमन धमाकेदार करेगी? देखिए संगीत तो एक ऐसी चीज है, साल का ही नहीं पूरे जब ब्रह्मांड की शुरुआत भी संगीत से ही होती है और अंत भी संगीत से ही होता है। हम तो ये कहेंगे अगर संगीत की शरण में आके और अलवर के साथ हम संगीत के साथ शुरुआत करें, निश्चित रूप से अलवर 2022 में बहुत सुंदर और स्वस्थ और आनंदित रहेगा। बच्चे और कितनी बालिकाएं आई हैं इस? यहाँ पे 60 बच्चे हैं जो संगीत के सरोकार रखते हैं और संगीत परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से बालिका और बालक मेरे लिए बराबर होते हैं, मैं गिनता नहीं कभी कौन कितने हैं। थानागाजी कस्बे में पंचायत समिति के सामने भोपाला व टोड़ी गांव के दो लड़कों के गुटों में कस्बे में जमकर लट चले। खुलेआम जमकर चल रही राजनेताओं के सहयोग के चलते, गुंडागर्दी के चलते कस्बे के व्यापारियों में भय व्याप्त है। व्यापारियों ने आए दिन हो रही जातिगत लड़ाइयों के असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते बाजार का माहौल खराब किया जा रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा नववर्ष परिवार मिलन, पोष पड़ा महोत्सव व भोजन प्रसादी का आयोजन 1 जनवरी को सुबह 11 बजे से गेट नंबर 3 अपना घर शालीमार भगवान श्री राम की प्रतिमा के नीचे आयोजित किया जाएगा। समिति को मिले नवीन कार्यालय का उद्घाटन समारोह भी 11 बजे आयोजित किया जाएगा। एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 24 से 30 दिसंबर इस्तांबुल शहर तुर्की में आयोजित हुई, उसमें मालाखेड़ा ग्राम निवासी अलवर राजस्थान के आशीष जैमन ने 2 पदक प्राप्त किए जिसमें एक रजत और एक कांस्य पदक है। आशीष जैमन सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर जयपुर में कार्यरत हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सिस्टर जोमी ने बधाइयां दी। साथ ही अलवर के राहुल शर्मा स्टेप बाय स्टेप अलवर में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। दोनों का शहर में आने का इंतजार किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी अजय चौधरी, नीरज कपूर, अंकित कौशिक, मानवेंद्र सिंह राघव, संजय चौधरी, रजनीश जैमन ने बधाइयां दी है। यह जानकारी जिला पावरलिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान और आयुक्त कमलेश कुमार मीणा के 11 बांध के समीप स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर गंदगी मिलने पर सभापति ने नाराजगी जाहिर करते हुए आयुक्त को निर्देश दिए कि संबंधित संवेदक को नोटिस देकर आगामी कार्रवाई की जाए। साथ ही सॉलिड वेस्ट प्लांट का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मुंडावर थाने के पहलगांव अंतर्गत रहने वाले 50 वर्षीय सफी मोहम्मद ने बीमारी के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुंडावर थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत ने बताया कि मृतक के परिजनों ने बताया कि सफी मोहम्मद लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त था जिस कारण वह अवसाद में चल रहा था। बीती शाम मृतक सफी मोहम्मद ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया जिसे अचेत अवस्था में परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय भर्ती कराया गया जहाँ उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। क्या नाम पता है मृतक का? कहाँ का रहने वाला है? नाम है सफी मोहम्मद। नाम है बदलू का। जाती है दिल्ली मुसलमान। ये पहल है मुंडावर थाने पहलगांव है उसका रहने वाला। क्या सूचना मिली थी? क्या बताया भाई? रात्रि को कोई पॉइजन खा करके, सफी नाम का व्यक्ति है, पॉइजन खा करके और जी एस अलवर में भर्ती हुआ है। दौरान इलाज उनकी जिसकी मौत होगी। परिजन बता रहे हैं कुछ कारणों का, किस कारण के चलते खाया? कोई डिप्रेशन में कोई नहीं, परिजन बीमार बता रहे थे और कोई वजह नहीं बता रहे हैं। अच्छा, अज्ञात कारण। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन के साथ ही प्राइवेट संस्थान भी गंभीरता दिखाने लगे हैं। इसी के चलते शुक्रवार को अलवर में नगर परिषद और सोलंकी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय बस स्टैंड पर मास्क वितरण किया गया। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन आ गई है और कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोलंकी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर विक्रांत सोलंकी का कहना था कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
है। आमजन को जागरूक करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल सर, हमें सतर्क रहना चाहिए। पहले मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी पहल से ये काम हमने किया। आज हमने मास्क वितरण किया बस स्टैंड पे। मैं फिर से यही कहूंगा, जैसे सर ने कहा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, उसमें तीन चीजों के लिए हमें बहुत ध्यान देना है। हम अपना मास्क पहने, हाथ को साफ रखें, सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं और उचित दूरी बना के रखें। ये सबके मन में और सबके दिमाग में ये चीज़ है, बस हमें इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है हम थर्ड वेव को बीट कर पाएं अगर हम टाइमली प्रिकॉशन लें। एक चीज़ पे मैं और इंसिस्ट करना चाहूँगा कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो कृपया वैक्सीनेशन करवाएं। जिनको पता है कि किस लोगों का वैक्सीनेशन है उनको इनकरेज करें। वैक्सीनेशन से ये बीमारी की जो सिम्टम्स हैं प्रकोप है थोड़ा कम होगा, इलनेस सिम्टम्स थोड़े कम होंगे, सीवियरिटी कम होगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्लीज फॉलो करें। आज आपने छोटी सी शुरुआत की है मास्क लगाकर आमजन को बचाने की, तो किस तरह और इसको अपन फैलाएंगे जीवन मतलब आम लोगों में? यही कहना चाहेंगे हम, एक एक आदमी को यही समझा रहे हैं कि खुद भी मास्क पहने और जितने आदमियों से मिले उनको भी मास्क पहनने की रिक्वेस्ट करें। सिंपल प्रिंसिपल यही है, तीन चीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो आती है, मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराए, हाथ साफ रखें और उचित दूरी बना रखें, भीड़ ना करें, अगर आपको जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलें और अपने से बुजुर्गों का बच्चों का ध्यान रखें। आज हमने डॉक्टर सोलंकी जी के साथ के सहयोग से जो बस स्टैंड पर जो यात्री बिना मास्क के घूम रहे थे उन सभी यात्रियों को मास्क वितरण किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया कि भाई ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का जो इसका कोरोना का प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो जो पूर्व में हमने दूसरी लहर के टाइम पे सावधानियां बरती थी वही सावधानियां हम पुनः बरतें, नहीं तो वापस हमें वही जो राज्य सरकार द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जो पिछली बार सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे वापस पुनः वैसे ही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारी लोगों से ज़्यादा अपील है कि वो जो कोविड अनुरूप व्यवहार है उसका प्रयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, और लोग जहां पे भी जाएं तो वो कम से कम भीड़ में रहें, और जहां कहीं पे भी जैसे सार्वजनिक जगह हैं उन पर भीड़ ना करें जिससे कि लोगों का बचाव हो सके और ये जो तीसरी वेव है इससे हम बच सकें। साफ सफाई को लेकर अपन किस तरह की योजना बना रहे हैं? साफ सफाई के लिए पूर्व में जैसे हमने अभी मुख्य मार्गों को और इनके सबकी सफाइयां चालू कर दी है जिसमें टीमें बना करके उनके पूरे शहर को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा हम शीघ्र ही डोर टू डोर कलेक्शन का काम चालू करने वाले हैं ताकि घरों से कचरा सड़कों पे नहीं आए, घरों से कचरा सीधे का सीधे जो व्हीकल्स हैं उनमें जाए और वहाँ से सीधा डंपिंग यार्ड पे पहुँचे। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार, आपके शहर में छाई खुशियां है अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार, आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया, भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई, हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा, आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं ये उद्देश्य हमारा। महिलाओं को सशक्त बनाए,
मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जाक्वा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में संविदा व प्लेसमेंट संघर्ष समिति के सचिव यश जोशी ने बताया कि सभी कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी निरंतर सेवा चिकित्सालय में देते आ रहे हैं और प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान रात दिन मरीजों की जान बचाकर 24 घंटे अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट कार्मिक ने अन्य सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज तक सरकार ने हित के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। सरकार से स्पष्ट जवाब चाहिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्य संविदा व प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को केडर में शामिल कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए संविदा व प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि सरकार नए साल में सभी के लिए अच्छा सोच रही है। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष अरविंद सारवान, अनिल कुमार, ज्ञानेंद्र यक्ष जोशी, सुनील शर्मा, अंकिता अरोड़ा, खेमचंद प्रताप सिंह, राजकुमार यादव, कपिल पोपटानी आदि उपस्थित रहे हैं। अच्छा मैडम, आपको संविदा कर्मियों ने ज्ञापन दिया है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो स्वास्थ्य विभाग में लग रहे हैं, उन्होंने आज मुझे ज्ञापन दिया है, क्योंकि राजस्थान सरकार सम्मान्य अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने कितनी हजारों में तो नौकरियां निकाल दी हैं, 50-60 हजार से ऊपर में दे चुके हैं नौकरी और प्रोसीडिंग में है तो लाख के करीब नौकरियां दे चुके हैं। जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी कोई नई नीति बनाने जा रहे हैं, तो इनकी मांग है कि जैसे संविदा कर्मियों के लिए बना रहे हैं, ऐसे जो प्लेसमेंट एजेंसी से जो दिए गए हैं उनके लिए भी कोई नीति बनाई जानी चाहिए और उनके लिए भी कोई बनाने का प्रयास करेंगे बात करें। मैडम, एक राजस्थान सरकार द्वारा जो शुभ शक्ति योजना चलाई गई थी, वो उसका गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आप जो ये शुभ शक्ति योजना है, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जितनी भी मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना, अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। आप उठा करके देखिए, आज जिसको नहीं मिल रहा है उसको जुड़वा देंगे, हम भी कह देंगे, बाकी अधिकारियों को और निर्देशित कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ दिया जाए। अगर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, चाहे पालनहार है, चाहे वृद्धावस्था, चाहे बेरोजगारी भत्ता है, उसका रिकॉर्ड अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत से लड़के लड़कियों को सारे इन योजनाओं से लाभ मिल रहा है, चाहे लोक राजस्थान है, चिरंजीवी योजना है, इनका सब बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। चाहे किसान का जो 1000 रुपये बिजली पर बिल माफ किया है सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार कितने लाखों किसानों का बिल नहीं आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है, तो सारी योजनाएँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। 70-80% योजनाएं तो पूरी हो गई, बाकी प्रोसीडिंग में ऐसा कोई नहीं है कि कोई धरती पे योजना नहीं उतरी हो। सकता है पर्टिकुलर किसी को कोई लाभान्वित नहीं हो पाया होगा या उसे कोई किसी कारणवश वो वंचित रह गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम लिखवा। कर्णी सेना अलवर की तरफ से पहाड़गंज स्थित सीताराम मंदिर पर पोषबड़ा महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम कर्णी सैनिकों व स्थानीय निवासियों ने पोषबड़ा की सामग्री मंदिर परिसर में ही स्वयं ही निर्मित की। इसके बाद आरती के समय सीताराम महाराज को पोषबड़ा का भोग लगाया गया। महाआरती के बाद कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने मंदिर के पंडित जीतू शर्मा महाराज को मां कर्णी की प्रतिमा भी भेंट की गई। इसके बाद मंदिर परिसर में आए सैकड़ों
भक्त व श्रद्धालुओं को पोसबड़ा का वितरण किया गया। पोसबड़ा महोत्सव कार्यक्रम में कर्णी सेना के भूपेंद्र सिंह राठौड़, हितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश कछवाहा, कमल सिंह गहलोत, जितेंद्र कछवाहा, मनमोहन नरूका, हनुमान राघव, सुरेश सिंह बड़गुजर, अतुल बना, भारत सैनी, स्वरूप सिंह, किशोर सिंह, विक्रम सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश सिंह, लाखन सिंह, अर्पण बना, अर्पित बना, अजय सिंह, जसवंत सिंह, घनश्याम सिंह, बाबूलाल सेन, मोहनलाल सेन, गुड्डू पंडित सहित काफी संख्या में स्थानीय महिला एवं पुरुष शामिल हुए। अलवर फूटी खेल स्थित हनुमान बगीची के पास गुर्जर समाज की ओर से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का सम्मान किया गया। इस दौरान गुर्जर समाज की महिलाओं ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को फूलमाला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। सम्मान के दौरान खन्ना गुर्जर ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को 11,000 की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान गुर्जर समाज से जुड़े गिरिराज गुर्जर, भगवान सिंह गुर्जर, खन्ना गुर्जर, पूर्व उपसभापति नवल किशोर शर्मा, रामरतन सैनी, राम सिंह गुर्जर, जयराज गुर्जर, राम सिंह गुर्जर द्वारा मंत्री शकुंतला रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया। क्या प्रोग्राम रखा गया आज यहाँ पे? इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शोध का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक निधर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4,000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं, इनका व्यापार खूब बढ़े। अमरीका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो, अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट उपलब्ध। दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था
नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे नेहरू नगर अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के बाद अलवर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, अलवर जिले में बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ, पानी की समस्या, टूटी हुई सड़कों सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने व पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की गई। पार्टी के नेताओं ने कहा कि आगामी दिनों में जन आक्रोश रैली की तरह प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में अलवर से हजारों लोग शामिल होंगे। प्रदेश में प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में अलवर में चुनावी सरगर्मियां नजर आने लगी है। भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी है, तो कांग्रेस विकास कार्यों का दावा करते हुए बेहतर काम करने की बात कह रही है। इन सबके बीच अलवर में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीते दिनों प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर आई। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बानसुर पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के आने का सिलसिला भी अलवर में बना हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अलवर में शुक्रवार को जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भाजपा के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक व सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने कहा कि अलवर के प्रदेश के हालात खराब हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम की घटनाएं अलवर में होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिले की कार्य समिति बैठक का एक सिस्टम है कि प्रदेश कार्य समिति बैठक के बाद जिला कार्य समिति बैठक होती है और उसके बाद हमारे मंडलों की बैठकें होंगी। 2 तारीख को राजस्थान भर के सभी मंडलों में, अलवर जिले के सारे मंडलों में बैठकें होने वाली हैं। तो हमारे यहाँ पर संगठनात्मक विषय पर चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा और बूथ संरचना जो हमारी पन्ना प्रमुख तक होने वाली है, संगठन संरचना का, उस पर हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आगामी सहयोग निधि का, आजीवन सहयोग निधि का भी कार्यक्रम हमारे पार्टी ने चलाया हुआ है। सुचिता रहे और हम लोग बाग सशक्त बने, पार्टी सशक्त बनी रहे, स्वावलंबी पार्टी बने, इसे उस सब चीज़ों को करते हुए हम उस सब चीज़ों को करने के लिए पार्टी ने इस मीटिंग बुलाई है। और जिले की बैठक में अभी और भी बहुत सारे मुद्दे हम लोग लेके आने वाले हैं, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का लाभ हम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक के लोग वहां तक देने के में काम होंगे। और राज्य सरकार की जो पूरे जिले में जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है और जो सड़कें खराब पड़ी हैं, चाहे वह पानी की व्यवस्था है, वह नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन सबके के लिए भी हम एक बड़ी योजना बना रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जिस तरह से हमने जन आक्रोश रैली यहाँ अलवर में की थी, उतना ही बड़ा एक आंदोलन पूरे प्रांत लेवल पर किया जाएगा। उसमें अलवर से भी हम सब लोग अच्छी संख्या में जाने वाले हैं। कब करेंगे? अभी प्रांत के आंदोलन की तिथि नहीं आई है, लेकिन हम उसके लिए अपनी मजबूती, जिस तरह से हमने इस समय अभी जो 16 तारीख को दिसंबर में हमने किया था जन आक्रोश रैली, उसी प्रभाव से तकरीबन यहां से 10 से 15,000 लोग हम यहां से लेकर जाएंगे। नववर्ष के आगमन पर बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान सेवा समिति की ओर से 6ठी भजन सरिता का आयोजन किया गया। श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति के जिनेश जैन ने बताया कि नौगावा राजस्थान का सिंह द्वार है। नौगावा बस स्टैंड स्थित श्री हनुमान मंदिर की सेवा समिति द्वारा हर वर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी नववर्ष के आगमन पर 6ठी भजन सरिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, बच्चों में संस्कारों का विकास हो, इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनजर रखते हुए विकास समिति द्वारा हर वर्ष भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। भजन सरिता में गायक सुमन तंवर पलवल, भारत खुराना नारनौल तथा मोहन यदुवंशी लक्ष्मणगढ़ ने भजनों का समा इस तरह बांध की भजनों पर कार्यक्रम में बैठे दर्शक झूम उठे। भजन सरिता में शिव बारात, फूलों की होली, राधा कृष्ण, पंचमुखी हनुमान जी सहित अनेक झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। नटकर श्री बांके बिहारी, मात पिता की सेवा, थारी जय हो बालाजी, श्याम बाबा के भजनों पर कार्यक्रम में बैठे दर्शक थिरकने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम में महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राजस्थान का सिंह द्वार है, हनुमान विकास सेवा समिति, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हनुमान विकास समिति राज को घुमाने के जाने में हनुमान जी का मंदिर है। इसमें हर वर्ष पिछले विगत छह वर्षों से यहाँ पर भजन सरता का आयोजन कर रही है। ये सभी कार्यक्रम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहे हैं। पूर्ण धन मन धन के साथ विकास समिति इसमें अपना पूरा योगदान दे रही है। लंबे प्रयासों के बाद इस वर्ष भी
अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ संक्रमण आदि की बीमारियाँ थी हमारे गांव में बहुत कम आई, और ये सब भारतीय संस्कृति से दूर रखने के लिए सभी ग्रामवासियों को जो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे, अध्यात्म से जुड़े रहे और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण रखते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को संस्कार दें, इन्हीं मंगल भावनाओं को रखते हुए हनुमान विकास समिति हर साल ये भजन संध्या का आयोजन रखती है, जिससे नववर्ष आने वाला वर्ष सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, समृद्धशाली हो, कल्याणकारी हो। हम सभी ग्राम विकास नौगावा में हनुमान समिति के सदस्य सभी लोगों के मंगल कामना करते हैं। उनका आने वाला 2022 शुभ हो, मंगलकारी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। जय हनुमान, जय राम, जय राम, जय श्री। अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट अशोक कुमार सेन ने बताया कि महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आम चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति अनुसार धाम पर प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण करवाए गए। अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। महासभा के बने हुए सदस्यों में से 1549 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना 5 राउंड में हुई, वह कुल मतगणना 1549 हुई, जिनमें से अशोक सेन सरना को 1082, राजेंद्र सेन को 327 व लक्ष्मी नारायण सेन को 214 मत प्राप्त हुए व 16 मत नोटा को मिले। अशोक सेन सरना अपने निकटतम प्रत्याशी से 755 मतों विजय घोषित हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट अशोक कुमार सेन ने बताया कि टहला थाना SHO ने अशोक सेन सरना को मतगणना विजय प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर चुनाव टीम सदस्य ट्रस्ट अध्यक्ष मोहनलाल सेन, मुकेश कुमार पाटोदिया सिकंदरा कानूनगो, जयप्रकाश सेन अलवर, भंवरलाल सेन बगरू, एडवोकेट कमलेश कुमार सेन शिवार, ओम प्रकाश नेता अलवर, डॉक्टर प्रभुदयाल अलवर, भगवान सहाय राजगढ़, सीताराम सेन जयपुर, मनीष सेन दहमी कला जयपुर, सतीश सेन जयपुर, हजारीलाल सेन, सीताराम सेन, चेतराम सेन दौसा, सत्येंद्र सेन भरतपुर, रघुनंदन टहला, भंवर सेन केशुपुरा, प्रशासन व सेन समाज के लोग मौजूद रहे। गरीबों का मसीहा साबित हो रहे ग्राम पंचायत अलावड़ा के सरपंच जुम्मा खान और पंचायत समिति सदस्य श्रीमती दीनी जुम्मा खान। सरपंच जुम्मा खान द्वारा पिछले 9 वर्षों में चौथी बार कस्बे के गरीब, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता और वृद्धावस्था पेंशनधारियों को कंबल बांटकर सर्दियों से निजात दिलाई जा रही है। प्रत्येक बार लगभग 1200 से अधिक कंबल बांटे जाते हैं। गरीबों की दुआओं का असर और परिणाम है कि कस्बा अलावड़ा में आजादी के बाद पहली बार जाति विशेष के सादगी भरे सरपंच जुम्मा खान को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई, और साथ ही पंचायत समिति सदस्य श्रीमती दीनी जुम्मा खान ने निर्दलीय के रूप में विजय प्राप्त की है। जिन कार्यों के लिए गरीब जनता को ग्राम पंचायत सरपंच और पंचायत कार्यालय में बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, उन कार्यों को सरपंच जुम्मा खान बिना किसी भेदभाव के और बिना सुविधा शुल्क के तुरंत निपटाते हैं। इनके दर पर आय मांगने आए किसी भी निर्धन व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। सादगी का जीवन जीने वाले भामाशाह सरपंच जुम्मा खान ने बताया कि मैं अपने गांव के गरीब परिवार की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मेरे द्वारा इस वर्ष चौथी बार कंबल बांटे जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते कंबल नहीं बांटे गए थे, इस बार तीसरे वर्ष में कंबल बांटे गए हैं। सरपंच साहब, आप ये जो कंबल बांट रहे हैं ये किन के लिए बांट रहे हैं? सर, विधवा, विकलांग और जिनको पेंशन मिल रहा है उनके लिए मैं हर एक साल छोड़ के कंबल बांटता हूँ। ये अंदरूनी मनोकामना। ये कब से बांट रहे हो आप? ये चौथी दफा बांट रहा हूँ। आपके ऊपर चौथी बार बांट रहे हो? चौथी बार बांट। आज की ताजा खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।